जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एम जे फिटनेस बाय मसल गैरेज। आज का वीडियो कोई ट्रेनिंग वीडियो नहीं है और ना कोई ब्लॉग है। आज का वीडियो है बेस्ट प्रोटीन सोर्सेस के ऊपर, कौन से बेस्ट प्रोटीन सोर्सेस आपके लिए होंगे, होने चाहिए, और जो हमारे इंडियन मार्केट में, भारत में इजीली अवेलेबल है, हर दुकान पर मिल जाते हैं, ऐसे प्रोटीन सोर्सेस आपको बताने वाला हूँ आज मैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो में और देख लीजिए पूरा वीडियो। सो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा प्रोटीन सोर्सेस, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात, हर किसी को ये लगता है कि प्रोटीन सिर्फ उसको लेना चाहिए जो जिम करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने सुना है जो जिम करता है उसको प्रोटीन लेना चाहिए, और कुछ कुछ तो बंदे कहते हैं प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, जो जिम करता उसे भी नहीं लेना चाहिए। सो इसको हमको एक चेंज करनी पड़ेगी, माइंड हमको चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, अगर हम एक हेल्थी लाइफस्टाइल कैरी करते हैं तो हमको 0.8 ग्राम बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन चाहिए ही चाहिए, चाहे वो कुछ करते हो या नहीं करते हो। अगर घर पे बैठते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, तब भी 0.8 ग्राम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हमको प्रोटीन चाहिए चाहिए। अगर हम कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, आउटडोर, इनडोर, एथलीट या फिर जिम ट्रेनिंग कुछ भी करते हैं, या हम मसल बिल्डिंग करनी है, या हम पतले हैं तो मोटा होना है, मसल को हमको बिल्ड करना है, तो हमारा प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है 1.2 ग्राम से लेकर 2 ग्राम तक, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी प्रोटीन की बात। अब जब हमारा प्रोटीन इंटेक पूरा होता है तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि हमें कितना कार्ब खाना है और कितना फैट खाना है, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। सिर्फ प्रोटीन के ऊपर दुनिया नहीं चलती है, ना ज़िंदगी चलती है, तीनों चीज़ मिलाकर हमारी ज़िंदगी चलती है, प्रोटीन, कार्ब और फैट, इन चीज़ों को मिलाकर हमारी ज़िंदगी चलती है। तो जब हम प्रोटीन इंटेक हाई कर रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं अपनी मसल बिल्डिंग के लिए, एक्टिविटी के लिए, तो उसमें ये ध्यान रखना है हमको कि कार्ब कितना लेना है, फैट कितना लेना है और प्रोटीन कितना लेना है, और ये आपको पता चलेगा आपके BMI के ऊपर कि आपका कितना BMI है, तो आपको कितना कार्ब, कितना प्रोटीन, कितना फैट लेना है कैलोरीज इनटेक के ऊपर। आपका BMI अगर 18.5 से कम है तो आप अंडरवेट हो, और आपका BMI अगर 18.5 और 25 के बीच में है तो आप एकदम नॉर्मल हो। आपका BMI अगर 25 और 30 के बीच में है तो आप ओवरवेट। आपका BMI अगर 30 के ऊपर है तो आप बहुत ज्यादा। यहाँ पर आपको प्रोटीन सोर्सेस बताने जा रहा हूँ, उसका मेरा सिलेक्ट करने का रीजन है कि वो हाई प्रोटीन है, साथ साथ में लो कार्ब एंड फैट भी है, ठीक है। तो आप अगर किसी भी कैटेगरी में आप एंटर कर रहे हैं, चाहे वो लो BMI 18 से 25 हो, 25 से 30 हो, 30 से आगे हो, आप इसमें किसी भी चीज़ को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो हाई प्रोटीन सोर्स का सोर्स है वो है चिकन ब्रेस्ट। चिकन ब्रेस्ट में आपको 100 ग्राम के अंदर 25 से 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा और 1 से 3 ग्राम तक का फैट मिल जाएगा। एक बात और, प्रोटीन आपको चिकन से मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये जो हमारा है चिकन कैलोरीज में भी लो है और फैट कार्ब का है ही नहीं ऑलमोस्ट इसके अंदर। फैट आपको 3 से 4 ग्राम मिल जाएगा 100 ग्राम के अंदर, और प्रोटीन 25 से 30 ग्राम मिल जाएगा। सबसे बेस्ट है जो अपनी आपकी बोन है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आप मैं चाहूँगा अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो कम से कम एक मील अपनी पूरी डाइट के अंदर एक मील चिकन ब्रेस्ट जरूर यूज। अभी हो गई नॉन वेज की बात, अब करते हैं वेज की बात। वेज के लिए हाई प्रोटीन का जो हमने एक साधन है वो है हरी मूंग की दाल जो है, वो 100 ग्राम के अंदर ऑलमोस्ट 24 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाएगा और 1 से 2 ग्राम के समथिंग फैट मिलेगा, ठीक है। और जो मोस्टली वेजिटेरियन होते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास कुछ है नहीं, लीन प्रोटीन सोर्स तो खैर उनके पास नहीं है, ये बात तो ठीक है, बट हाँ हमारी जो मूंग दाल हो गई ये बहुत ही अच्छा प्रोटीन सोर्स है वेजिटेरियन के लिए, नॉन वेजिटेरियन के लिए भी है। और मोस्टली बंदे जो आपने देखा होगा नॉन वेजिटेरियन होते हैं, सॉरी वेजिटेरियन होते हैं, वो दालों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, पनीर और वे प्रोटीन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बाकी मैं आगे बात करूँगा। चलते हैं अगला जो हाई प्रोटीन सोर्स है मेरी लिस्ट में वो है फिश। फिश हाँ, फिश का ऑलमोस्ट 100 ग्राम में ऑलमोस्ट 21 से 24 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है, डिपेंड करता है आप कौन सी फिश खा रहे हैं, और 8 से 10 से 12 ग्राम समथिंग फैट भी मिल जाता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो फैट होता है गुड फैट होता है,
ये हमारी हेयर्स के लिए, आइज के लिए, स्किन के लिए, हार्ट के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए, ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्थी होता है, जो हमें लेना भी चाहिए। हर फैट अवॉइड नहीं करना चाहिए, गुड फैट हमें लेना भी चाहिए, जो कि हमारी आइज, हेयर और स्किन, नेल्स और हार्ट और हमारा ब्रेन, इन सब के लिए हेल्थी होता है। सो अगला जो हाई प्रोटीन सोर्स मैं आपकी डाइट में ऐड करना चाहूँगा या आपको बताना चाहूँगा वो है वे प्रोटीन। अच्छा, वे प्रोटीन को लेके हमारे इंडिया में खास करके एक बहुत सारे मिथ बनाए गए हैं कि प्रोटीन, वे प्रोटीन आपकी किडनी ख़राब कर देता है, या लड़कियों को नहीं लेना चाहिए, या सिर्फ जो जिम करते हैं उनको लेना चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वे प्रोटीन कोई भी बंदा यूज कर सकता है, इवन जो बच्चा होता है माँ का दूध, वो भी वे प्रोटीन से भी ज़्यादा हेल्दी होता है, कोई वे प्रोटीन की तरह यूज करता है बच्चा। हमारे बड़ों के लिए नहीं होता, क्योंकि बड़ों को ज़्यादा प्रोटीन इंटेक चाहिए होता है, बच्चों के लिए ठीक है। सो वे प्रोटीन कोई भी ले सकता है, और आपको 100 ग्राम के अंदर, सॉरी एक सर्विंग के अंदर ऑलमोस्ट 24 ग्राम से 26 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है। अब ध्यान यहाँ रखना है कि हमको जो वे प्रोटीन लेना है वो किसी ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से लेना है और जेन्युइन लेना है। अगर आप लोकल लोगे, फेक लोगे, तो तभी फेक की वजह से पूरी मार्केट इंडस्ट्री, फिटनेस इंडस्ट्री ख़राब होती जा रही है। बहुत ज़्यादा आपको न्यूज़ सुनने को मिल रही होंगी फेक न्यूज़, फेक प्रोटीन की। आपको जो वे प्रोटीन लेना है वो ओरिजिनल लेना है, ऑथेंटिक लेना है, और किसी अच्छी शॉप से लेना है या अच्छी वेबसाइट से लेना है। सो वे प्रोटीन जो होता है इजी टू डाइजेस्ट होता है, और मैं आजकल जो यूज कर रहा हूँ और यूज करवा रहा हूँ वो है B2 न्यूट्रिशन का डिलीशियस 3 वे प्रोटीन। इसके अंदर आपको एक सर्विंग में ऑलमोस्ट 21 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, 3.9 ग्राम ग्लूटामिन मिल जाता है, 5.4 ग्राम BCAA मिल जाता है, ये ग्लूटेन फ्री है और टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा है। बाकी इसके बारे में कमेंट कर दीजिएगा जिसने यूज करा है कि कैसा रिजल्ट देता है और कैसा एक्टिविटी लेवल आपको ग्रो करता है। सो अगला जो प्रोटीन सोर्स है मेरी लिस्ट में वो है अंडा। अंडे में पूरे अंडा अगर खाओगे तो ऑलमोस्ट 5-6 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, बट अगर सिर्फ और सिर्फ वाइट एग खाते हैं तो ऑलमोस्ट 3-4 ग्राम ही प्रोटीन मिलेगा। अगर मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप 2-4 अंडे खाते हैं तो पूरे खा सकते हैं पूरे दिन में, अगर आप ज़्यादा अंडे खाते हैं 10-12-15-20 जो भी ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 योग खाएं, इससे ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है योग, तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 योग खा सकते हैं हम अगर हम ज़्यादा अंडे खा रहे हैं तो। अगर आप 2-4 अंडे खा रहे हैं तो कोई बात नहीं, पूरे अंडे खा सकते हैं, या फिर आपका मसल बिल्डिंग गोल है तो आप पूरा अंडा खा सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2-4 एग आपको कहीं से भी किसी भी दुकान से मिल जाएंगे, इजीली कहीं पे भी मिल जाते हैं, और आप इसको किसी भी फॉर्म में खा सकते हो। आप फ्राई बना के खा सकते हो, ऑमलेट बना के खा सकते हो, एग बॉइल करके खा सकते हो, आपको जैसे पसंद आते हैं आप वैसे इसको खा सकते हो। एग का जो है बेस्ट पार्ट है वो है इसके अंदर हमको भरपूर मात्रा में विटामिन एंड मिनरल्स मिल जाते हैं, जो अदर चीज़ों में नहीं मिल पाते हैं वो अंडे के अंदर मिल जाते हैं, और इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है हमारी बॉडी में, तो आप अंडा ऐड कर सकते हैं हाई प्रोटीन के लिए। सो अगला जो हाई प्रोटीन सोर्स फूड है मेरी लिस्ट में वो है सोया चंक्स। सोया चंक्स से ज़्यादा मुझे नहीं लगता किसी भी चीज़ में इतना ज़्यादा प्रोटीन होगा। सोया चंक्स में ऑलमोस्ट 100 ग्राम के अंदर ऑलमोस्ट 52 ग्राम प्रोटीन हमको मिल जाता है, लेकिन 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 हम इसको ज़्यादा नहीं खा सकते, क्योंकि अगर ज़्यादा खाते हैं तो एस्ट्रोजन लेवल बढ़ाता है, जिससे हमारे मैन बूट्स बन जाते हैं या गायनोकेमिस्ट्री होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। सो ऑलमोस्ट हम 25-40 ग्राम तक या 50 ग्राम तक ज़्यादा से ज़्यादा अगर खा सकते हैं तो एक दिन में 50 ग्राम तक इसे कंज्यूम कर सकते हो। इससे ज़्यादा ना करो तो ज़्यादा सजेस्ट करूँगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना करो इससे ज़्यादा, मैक्सिमम 50 ग्राम तक इसे कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे सस्ता, सबसे ज़्यादा हाई प्रोटीन सोर्स है हमारा। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ये जो आपको मैं डाइट टिप्स बताता हूँ या कुछ भी बताता हूँ इसे कमेंट करके ज़रूर बताया करो, अपने ऊपर यूज़ करा करो। अगर कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ बेस्ट पार्ट कौन सा था वीडियो के अंदर वो कमेंट करके बताया करो, मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चल मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।